नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर भारती मक्कड़। स्वागत करती हूं आप सबका आयुरस हीलिंग हब में। फ्रेंड्स, मैं इस चैनल के थ्रू आप सब तक आयुर्वेद की नॉलेज शेयर करती हूं। स्पेशली सफेद दाग के ऊपर बहुत सारे वीडियोस बनाती हूं, क्योंकि मैं चाहती हूं कि मेरे सफेद दाग के पेशेंट्स इलाज को ठीक से कर सके, समझ सके कि सफेद दाग को कैसे ठीक किया जा सकता है और जल्दी से जल्दी अपने दाग ठीक कर सके। पर फिर भी एक चीज मैं बहुत ज्यादा फील करती हूँ, स्पेशली जब मेरे पास कोई नए पेशेंट्स आते हैं, कि लोगों के सफेद दाग दवा खाते खाते भी बढ़ रहे होते हैं। जब ऐसी सिचुएशन होती है तो वाकई बहुत दुख लगता है कि आप दवाई भी ले रहे हो और आपके दाग ठीक होने तो बाद की बात है, अभी रुके भी नहीं है, बढ़ भी रहे हैं। तो आज का इस वीडियो उन्हीं लोगों के लिए है जिनके दाग दवा करते करते भी बढ़ रहे हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि क्या कारण है जिसकी वजह से आपके दाग दवा करते करते भी बढ़ सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, जब आप सफेद दाग का इलाज शुरू करते हैं तो सबसे कम जिस चीज की आप उम्मीद करते हैं वो ये कि दाग कम से कम रुके रहें, आपके दाग जैसे हैं उसके बाद कोई और दाग नहीं हो। ठीक करना तो दागों को डेफिनेटली बहुत जरूरी है, वो तो होना ही चाहिए, लेकिन साथ ही साथ सबसे पहली डिमांड ये होती है कि नए दाग आने बंद हो जाए। और मैं एज अ डॉक्टर भी आपको सबसे पहले दाग रोकने की ही दवाई देती हूँ। फिर भी मैं ऐसे बहुत सारे पेशेंट से मिलती हूँ जो मेरे पास आते हैं और बताते हैं कि हम अपना इलाज भी करवा रहे हैं और दाग भी बढ़ रहे हैं। ये सिचुएशन वाकई ही बहुत दुखदायी होती है, बहुत हेल्पलेस पेशेंट्स फील करते हैं। आज मैं आपको बताऊंगी कि कौन से चार ऐसे बड़े कारण हैं जिसकी वजह से ऐसी सिचुएशन आ जाती है या ऐसी सिचुएशन आ सकती है कि आप दवा भी खा रहे हो और आपके दाग भी बढ़ रहे हैं। इसमें सबसे पहली कंडीशन है स्ट्रेस। स्ट्रेस यानी कि तनाव, चिंता। स्पेशली यहां पर मैं बताना चाहूंगी कि तनाव चिंता से मेरा मतलब है नेगेटिव थॉट्स। देखिए, आजकल की दुनिया में स्ट्रेस सभी लोगों को है। अगर मैं क्लिनिक में पेशेंट देख रही हूं, मुझे भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई स्ट्रेस है, क्योंकि जो भी हम अपनी लाइफ बिता रहे हैं, कभी घर में बच्चों का स्ट्रेस या फिर आपके किसी परिवार का स्ट्रेस या किसी को फाइनेंशियल स्ट्रेस, किसी को काम का स्ट्रेस, तो थोड़ा बहुत स्ट्रेस हम सबकी जिंदगी के साथ जुड़ा हुआ है। ऐसे में ये कह देना कि अगर आपको स्ट्रेस रहेगा तो दाग बढ़ते ही रहेंगे, तो बहुत बार ये सिचुएशन होती है कि स्ट्रेस तो हर इंसान को है। पर वही मैं यहां क्लियर करना चाहती हूँ, स्ट्रेस से मेरा मतलब है नेगेटिव थॉट्स या ऐसा स्ट्रेस जो आपकी नींद को परेशान करे। आप किसी चीज के लिए थोड़ी देर के लिए स्ट्रेसफुल हैं, वो ठीक है, लेकिन आप बार बार किसी चीज के बारे में सोचें, सोच सोच के आपकी नींद डिस्टर्ब हो, आप लो फील करें, ये एक ऐसी कंडीशन है जहां पे स्ट्रेस आपको इंटरनली बहुत नुकसान कर सकता है। और सफेद दाग में इस तरह का स्ट्रेस जो है दागों को बढ़ाने के लिए बहुत ज्यादा जिम्मेदार है। एक बात और मैं यहां बताना चाहूंगी, एक तरफ स्ट्रेस से दाग बढ़ते हैं क्योंकि ये एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है और जितने भी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स हैं वो स्ट्रेस की वजह से बढ़ते हैं। दूसरा ये, जब किसी को भी दाग हो जाते हैं और स्पेशली अगर सफेद दाग बढ़ने लगे तो ऐसी सिचुएशन से भी स्ट्रेस बढ़ता है, तो ये एक तरह की विशियस साइकिल बन जाती है कि दागों को देखकर आपको स्ट्रेस हो रहा है, स्ट्रेस की वजह से दाग बढ़ रहे हैं, दाग और बढ़ रहे हैं, इस बात से स्ट्रेस भी और ज्यादा बढ़ता है, तो आप एक चक्रव्यूह में फंस जाते हैं। और इस सिचुएशन से अगर आप नहीं निकल पाते हैं तो दाग भी लगातार बढ़ते रहते हैं और आपका स्ट्रेस भी। तो ये एक ऐसी कंडीशन बन जाती है जहां पेशेंट दवा भी खा रहा होता है फिर भी उसे रिकवरी नहीं मिल रही होती। ऐसी सिचुएशन में हम अपने पेशेंट्स में कुछ ऐसे नरवाइन टॉनिक, कुछ ऐसी हर्बल मेडिसिन ऐड करते हैं, कुछ ऐसी हर्ब्स ऐड करते हैं जिनसे उनके दिमाग को ताकत मिले और उन्हें स्ट्रेस सहने की शक्ति मिले और स्ट्रेस का जो बैड इफेक्ट है आपके शरीर पर या आपकी त्वचा पर ना आए। तो आपने हमेशा इस चक्रव्यूह से बचना है, उसके लिए आप योगा कर सकते हैं, अपने डॉक्टर की सलाह ले सकते हैं और सबसे पहले खुद समझ सकते हैं कि आपने स्ट्रेस छोड़ना है ताकि दाग ठीक हो। अगर किसी के दाग बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं तो आप डॉक्टर को कुछ टाइम जरूर दें। बहुत तेजी से जब दाग बढ़ रहे होते हैं तो 4-5 महीने दागों को रोकने में लग सकते हैं। अगर उसके बाद भी आपके दाग बढ़ रहे हैं तो वाकई चिंता का विषय है। तब तक के लिए अगर आप अपनी नेगेटिव थॉट्स को कंट्रोल कर लें, अपने तनाव को दूर रखें खुद से,
तो डेफिनेटली आपके दाग रुकेंगे और उसके बाद आपके दाग जरूर ठीक भी होंगे। स्ट्रेस के ऊपर मैंने पहले भी बहुत सी वीडियोस बनाई हैं। मैंने कुछ वीडियो में ये भी बताया कि स्ट्रेस दूर करने के लिए आप घर में ही कौन सी युक्तियां कर सकते हैं, आप घर में ही क्या उपाय कर सकते हैं, उन्हें भी आप जरूर देखें। नेक्स्ट पॉइंट जो मैं बताना चाहूंगी वो है डाइट। डाइट यानी कि परहेज सफेद दाग के इलाज का बहुत अहम हिस्सा है। आयुर्वेद में तो हर बीमारी में बहुत डिटेल में बताया है कि आपके लिए क्या पथ्य है, यानी कि क्या आपको चीज खाने में फायदा करेगी, और क्या अपथ्य है यानी कि किन चीजों से आपको परहेज करना है, उन चीजों से आपको बचना है। सफेद दाग में भी ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो आपको डेली लेनी चाहिए और कुछ एक ऐसी चीजें हैं जिनको आपको बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। अगर आप ये परहेज फॉलो नहीं करते हैं तो डेफिनेटली हो सकता है दवा लेने के बाद भी आपके दाग बढ़ते रहें। इसलिए अगर आप आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट ले रहे हैं, स्पेशली सही दवाओं से सही रिजल्ट चाहते हैं, तो परहेज जरूर करें। बहुत बार लोग ऐसा कर लेते हैं, जो खट्टा चीज है, जो चीजें खाने की मना है उसको तो छोड़ देते हैं, परंतु रोज खाने वाली चीजें अपनी डाइट में शामिल नहीं करते। सफेद दाग को रोकने के लिए, उसे ठीक करने के लिए ये भी जरूरी है कि जो खाने की चीजें डेली बताई गई हैं उनका भी आप सेवन जरूर करें, डाइट चार्ट को पूरी तरह समझें, उसे फॉलो करें, और तभी आप उम्मीद करें कि आपके दाग पूरी तरह रुकेंगे। कुछ पेशेंट्स मेरे पास ऐसे भी होते हैं जो मेरे से इलाज शुरू करते हैं, बहुत अच्छे से दवाई लेते हैं, बहुत अच्छे से डाइट फॉलो करते हैं, उसके बाद क्या होता है उनके दाग ठीक होने लग जाते हैं। जब दाग ठीक होना शुरू हो जाते हैं तो वो डाइट को लेकर लापरवाही शुरू कर देते हैं। जैसे एक बार उन्होंने कहीं बाहर कुछ खट्टा खाया, देखा दाग तो उसके बाद भी ठीक हो रहे हैं, तो आप देखते हैं कि एक दो बार खट्टा खाने से कोई दिक्कत नहीं हुई तो खट्टा जो है वो बार बार खाना शुरू कर देते हैं, या ऐसी चीजें खाना शुरू कर देते हैं जिससे कि जो कि सफेद दाग में मना है। तो हो सकता है कि उस समय तो आपके दागों पे कोई फर्क ना आए, लेकिन आप ये बात समझ लीजिए कि हो सकता है आज आपने खट्टा खाया तो कल आपको सफेद दाग भी नजर आ जाएगा। लेकिन एक बात पक्की है कि जब आप खट्टी चीजें खाते हैं या ऐसी चीजें खाते हैं तो आपके शरीर के अंदर सफेद दाग बनने की प्रक्रिया जो है वो शुरू हो जाती है और उसका असर जो है आपको आने वाले टाइम में दिखता है। इसलिए अगर आप खट्टा खाते रहेंगे या फिर जो रोज खाने की चीजें बताई हैं वो नहीं खाएंगे, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है स्प्रेडिंग रोकने के लिए, क्योंकि उनमें भी हो सकता है आप में किसी सप्लीमेंट्स की कमी हो, तो आप डाइट चार्ट को पूरी तरह फॉलो करें, ना खाने वाली चीजों को छोड़ दें, और जो खाने की चीजें डेली बताई जाती हैं उनका भी उपयोग जरूर करें। अगर आप ऐसा करेंगे तो यकीनन आपके दाग रुकेंगे भी और ठीक भी होंगे। नेक्स्ट पॉइंट जो मैं यहां बताना चाहती हूं वो ये कि हमारे शरीर में बहुत सारे ऐसे तत्व हैं, ऐसे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं जो सफेद दाग को खत्म करने के लिए यानी कि जो मेलानिन बनाने के लिए बहुत जरूरी है। तो ऐसी कंडीशन में हम पेशेंट्स को बहुत बार कुछ टेस्ट बताते हैं कि आप कुछ ब्लड टेस्ट करा लीजिए जिससे पता चले कि आपका विटामिन B12 लेवल कितना है या कॉपर कितना है या आपके लिवर की क्या कंडीशन है, लेकिन पेशेंट उसको अवॉइड कर जाते हैं। स्पेशली ये दिक्कत मैं तब देखती हूँ जब हम वीडियो कॉल के साथ पेशेंट देख रहे होते हैं, तो वीडियो कॉल के इलाज में और मुझे कोई दिक्कत नहीं आती है, लेकिन कई बार जब मैं वीडियो कॉल के पेशेंट्स को कहती हूँ कि आपने ये टेस्ट कराने हैं तो वो अगली बार अपॉइंटमेंट लेते हैं और कहते हैं वो टेस्ट तो हम भूल ही गए थे। वो दवा तो टाइम पर करते रहते हैं, परहेज भी करते रहते हैं और टेस्ट छूट जाते हैं। तो अगर टेस्ट छूट जाएंगे तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि आपके अंदर किसकी कमी की वजह से दाग बढ़ रहे हैं, और हो सकता है कि आप दवा भी खा रहे हो तब भी दाग बढ़ रहे हो। तो अगर आप किसी डॉक्टर से इलाज करा रहे हैं और आपके दाग बढ़ रहे हैं तो डॉक्टर ने जो आपको टेस्ट लिखे हैं उन्हें जरूर कराइए। अगर डॉक्टर ने टेस्ट नहीं लिखे हैं तो आप इस बारे में उनसे बात करें, उन्हें बताएं कि मेरे दाग बढ़ रहे हैं, मैं कौन से ब्लड टेस्ट कराऊं या कौन से टेस्ट कराऊं, और उनकी सहायता से आप वो जांचें जरूर कराएं जिसकी मदद से हो सकता है आपकी दवाइयों में कुछ बदलाव की जरूरत हो, और ऐसा करने से आपके दाग रुकेंगे भी और ठीक भी होंगे। नेक्स्ट पॉइंट जो मैं ये बताना चाहती हूँ वो है सही इलाज की कमी। जी हाँ, सफेद दाग में एक और बहुत दुख की बात है कि सफेद दाग को बहुत से लोग ठीक करना चाहते हैं लेकिन सही इलाज की जानकारी बहुत कम जगह है। बहुत सारे लोग सफेद दाग के लिए ऐसी दवाइयां खा रहे होते हैं जो आपको इंटरनली नुकसान करती हैं। मैं कुछ ऐसे भी डॉक्टर्स मेरे सामने आते हैं जिसके लिए मुझे बड़ा दुख होता है कि वो आयुर्वेदिक दवाई कह के साथ में स्टीरॉइड्स का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, या कोई ऐसे भी पैथीज हैं, कुछ ऐसे भी ट्रीटमेंट्स हैं जो पहले दागों को कहते हैं कि ये बढ़ाएंगे, यानी कि दागों को हम अंदर के दागों को बाहर निकालेंगे। ये सिचुएशन भी बहुत गलत हो जाती है क्योंकि जब अंदर के दाग बाहर निकलते हैं तो पेशेंट का स्ट्रेस और बढ़ता है और स्ट्रेस की वजह से वो दाग और बढ़ते हैं। तो जब हमारे पास पेशेंट ऐसी दवाई लेकर आ रहे होते हैं कि जिन्होंने पहले ऐसी दवा खाई है कि जो दागों को पहले अंदर से बाहर निकालेंगे, वो भी बहुत दाग ट्रिगर हुए होते हैं और उनको रुकने में थोड़ा समय लगता है,
और पेशेंट की ये कंप्लेंट होती है कि मैं बहुत टाइम से उनकी दवाई खा रहा हूँ, उस डॉक्टर की दवाई खा रहा हूँ, उन्होंने कहा था पहले तो अंदर से बाहर निकलेंगे, तो बढ़ते रहे और अब रुक ही नहीं रहे हैं। तो ये सिचुएशन जो है ये भी बहुत खराब हो जाती है। तो आप इस चीज का ध्यान जरूर रखें कि आप एक सही इलाज करें, और इसके लिए सफेद दाग के लिए आयुर्वेदिक इलाज बहुत अच्छा है। उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि इसका कोई नुकसान नहीं है। दूसरा बड़ा कारण यह है कि पहले दिन से दागों को रोकने की दवाई आयुर्वेद में देने के लिए कहा गया है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि पहले हम आपके दागों को ट्रिगर करेंगे या पहले कुछ समय दाग बढ़ेंगे। तो आप इस चीज का जरूर ध्यान रखें कि आप सफेद दाग की जो दवाई लें वो सही दवाई हो, यानी कि उससे आपके शरीर को कोई नुकसान ना हो और वो पहले आपके दागों को ट्रिगर ना करती हो। तो इस तरह से आपने इन सभी बातों का ध्यान रखना है। मैं आपको यकीन के साथ कह सकती हूँ अगर आप इन चीजों का ध्यान रखेंगे तो आपके बढ़ते हुए दाग जरूर रुकेंगे और ठीक भी होंगे। सफेद दाग की जो दवाई ले वो सही दवाई हो, यानी कि उससे आपके शरीर को कोई नुकसान ना हो और वो पहले आपके दागों को ट्रिगर ना करती हो। तो इस तरह से आपने इन सभी बातों का ध्यान रखना है। मैं आपको यकीन के साथ कह सकती हूँ अगर आप इन चीजों का ध्यान रखेंगे तो आपके बढ़ते हुए दाग जरूर रुकेंगे और ठीक भी होंगे। इन दागों से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर पूछें। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि उनका कमेंट बॉक्स में जवाब दूं। कई बार मैं कमेंट बॉक्स में जवाब नहीं दे पाती हूँ, उसका कारण ये होता है कि कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं, कुछ ऐसी बातें होती हैं जिनको एक दो लाइनों में कह पाना मुश्किल हो जाता है, तो उनके ऊपर मैं वीडियोस भी जरूर बनाती हूँ। तो आप मुझे टॉपिक भी सजेस्ट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में कि मैं इस चीज के ऊपर वीडियो बनाऊं। आज का अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।